सो हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। अभी जो है बहुत से लोग जो है यूट्यूब में अपना जानने को चालू कर रहे हैं, नया बहुत सारे यूट्यूब चैनल ओपन भी हो रहा है। मेरा भी चैनल नया ही है, लेकिन मेरे साथ जो है बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स भाई हैं जो कि अपना चैनल जो है नया चालू कर रहा है। एंड मेरा बहुत से दोस्त भी है, वो लोग भी चालू कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जितने सारे लोग जो यूट्यूब चैनल को चालू कर रहे हैं, लेकिन उन सभी लोग को जो है ना यूट्यूब चैनल को अच्छे तरीके से डेकोरेट करना नहीं आता है। देखो, चैनल खोलना जस्ट एक गूगल अकाउंट को खोलना है, उसके बाद एक चैनल क्रिएट कर देना है, ठीक है। लेकिन उस चैनल को अच्छा लुक देना एक अलग सा चीज होता है, ठीक है। ये जो है बहुत से लोग नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का चैनल होता है लेकिन उसमें अच्छा एक प्रोफाइल पिक्चर नहीं होता है। चैनल आर्ट को तो छोड़ ही दो, इसका बनाना भी थोड़ा ट्रिकी है, लोग उसको कर नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसका चैनल जो है दिखने में उतना प्रोफेशनल नहीं लगता है। लगता है कि भाई कोई मतलब ऐसा गहरा गहरा बंदा है, चैनल बना दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ों से ही आपका व्यूज़ वगैरह आता है, लेकिन हाँ देखने में अच्छा लगता है चैनल। तो ये मुझे लगता है कि भाई जो लोग नया चैनल बना रहे हैं उन लोग को अपना चैनल को डेकोरेट करना भी आना चाहिए। एंड सिर्फ यही नहीं कि भाई वो लोग डेकोरेट करना नहीं चाहता, अच्छा प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा चैनल आर्ट, अच्छा इंट्रो आउटर बनाना कौन नहीं चाहता, सभी चाहता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भाई उसको पता ही नहीं कि भाई बनाए कैसे। मतलब वो चाह रहा है कि भाई मैं बनाऊंगा बनाऊंगा, लेकिन भाई उसको कोई अच्छा ट्यूटोरियल नहीं मिल रहा है, अच्छा गाइड नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो भाई वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब एकदम प्रोफेशनल लेवल का है, या तो मतलब इतना ही घटिया कि भाई उसे पता है, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि भाई देखो ये है, इसको आप कॉपी कर लो एंड अपने लिए बना लो। मतलब वो एक कॉपी कर जैसा हो रहा है, ठीक है। वो खुद से कुछ करने में, मतलब वो बोल रहा है कि मैं अपना लोगों अपने जैसे बनाना चाहूंगा, लेकिन जो यूट्यूबर्स की वीडियो है या तो भाई बहुत प्रोफेशनल है या तो भाई बहुत ही मतलब लोअर क्लास का है। तो वो अपने जैसा थोड़ा कस्टमाइजेशन करने के बाद मतलब वो अपना फीलिंग्स वहाँ पर नहीं आ रहा है। तो मैंने ये प्रॉब्लम को देखा है एंड मुझे लगा कि नहीं भाई, इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। एंड वो सोल्यूशन जो है बहुत ही ईजी वे में होना चाहिए, मतलब कोई भी उसको आसानी से एक्सेस कर पाए, ऐसा एक वे होना चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि भाई मैं एक अपने तरफ से एक यूट्यूब का पूरा पैक बनाने का एक वीडियो बनाऊंगा। यही वाला वो वीडियो है बेसिकली। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, जो कि अगर आपने एक यूट्यूब का चैनल बनाया तो भाई उस चैनल के लिए आप कैसे अपना प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो, कैसे आप अपना कवर पिक्चर बना सकते हो, कैसे इंट्रो बना सकते हो, कैसे आउट्रो बना सकते हो, कैसे लोअर थर्ड्स लगा सकते हो एंड गाना वगैरह तो लगा ही लोगे, एंड कैसे आप थंबनेल्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सभी चीज़ें आपके चैनल के लिए रेडी है तो भाई आपका चैनल का ग्राफिक्स का जितना सारा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है मान लो, ठीक है। अब बाकी का जो है आपका वीडियो आप जैसा बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बहुत सा चैनल में ये बेसिक चीज ही नहीं होता, इसलिए चैनल दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। एंड इस वीडियो पे मैं ये सभी चीज़ें जो बनाऊंगा मतलब एकदम बिगनर्स के लिए बनाऊंगा। मतलब जो लोग जो हाल ही में चैनल खोला है उसके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है, थोड़ा बहुत करके चला रहा है, उन लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा वो लोग भी अपने चैनल को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इस चीज़ को करने के लिए जो चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है, पहले तो मैं फोटोशॉप इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड वीडियो एडिटिंग के लिए मैं जो है वंडरशेयर फिल्मोरा का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये दोनों है मतलब बहुत ही आसान चीज़ है एंड है स्पेशली ये जो वीडियो है मैं कंप्यूटर यूजर के लिए बना रहा हूँ। अगर आप मोबाइल से अपने चैनल को मैनेज करते हो तो मैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है पूरा कंप्यूटर यूजर के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पर फोटोशॉप इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड यहाँ पर वंडरशेयर फिल्मोरा का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो है बहुत से लोग अभी घबरा चुका है कि भाई मतलब फोटोशॉप तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना नहीं आता, भाई मैं कैसे करूँगा। टेंशन करने की कोई बात नहीं, आप आपको फोटोशॉप सिखाने नहीं वाला हूँ, कुछ छोटा मोटा जो फीचर्स है वो आपको दिखा दूंगा, आप यहाँ पर ही देख के समझ जाओगे। अगर आप सोच रहे हो भाई मेरे पास तो एकदम घटिया से घटिया पीसी है, फोटोशॉप चलेगा ही नहीं, मैं यहाँ पर फोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्सन है 2.5 GB वाला वो वाला वर्सन का बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपके पास फोटोशॉप CS6 भी है तो भी सेम काम आप कर सकते हो। मेरा जो पीछे वाला जो पीसी है इसमें भी फोटोशॉप CS6 चल रहा है एंड ये कोटो डुओ वाला एक पीसी है, ठीक है। तो इससे भी आप वो सेम काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो का हम लोग आगे बढ़ाएंगे एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरा वीडियो को आखिर तक देखने के बाद जो है आपका चैनल जो है बहुत बेहतरीन लुक देने वाला है, क्योंकि मैं अपने ही एक दोस्त के चैनल के ऊपर ये करने वाला हूं, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो फिटनेस का चैनल खोल रहा है जिसके मैंने आपको बोला पहले ही, एंड वो मुझे बोला कि भाई तू जो है थोड़ा चैनल की डिजाइन वगैरह कर दे तो उसका मदद भी हो जाएगा। तो मैं सोचा क्यों ना उसका काम भी हो जाएगा, मैं एक वीडियो भी बना दूँ तो आप लोगों का भी मदद हो जाएगा, ठीक है। तो बातें तो मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है, तो चलो अब एक एक करके सब कुछ हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। सो गाइस, एक और चीज़, इस वीडियो का मैं दोनों सीरीज बनाऊंगा। एक सीरीज में जो है मतलब एक वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा जो वीडियो है एक ही मतलब बड़ा वीडियो होगा, 2.5 घंटे के आसपास होगा वीडियो एंड
पूरा मतलब सीरीज एक ही वीडियो के अंदर रहेगा, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बहुत से लोग जो है वो पार्ट पार्ट मांगता है, मतलब पार्ट पार्ट करके वीडियो मांगता है, तो इसलिए जो है मैं इस वीडियो के एक एक पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। मतलब एक पार्ट में प्रोफाइल पिक्चर बना के दिखाऊंगा, एक पार्ट में जो है मैं इंट्रो बना के दिखाऊंगा, एक पार्ट में जो थंबनेल बना के दिखाऊंगा, ऐसे करके भी अपलोड करूंगा। इससे क्या होगा कि जो लोग बस पार्ट ढूंढ रहे हैं तो उसको भी पार्ट भी मिल जाए, ठीक है, सभी का मदद हो जाएगा। एंड जो लोग चाह रहे कि मैं एक ही वीडियो देखूंगी उसमें मुझे सारा का सारा मिल जाना चाहिए, तो उसका भी काम हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं इसको दोनों तरीके से अपलोड करूंगा। तो आप देख रहे हैं आप कौन सा बड़ा वीडियो देख रहे हो, अगर आप पार्ट वीडियो देख रहे हो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मिल जाएगा पूरा पूरा वीडियो का लिंक। एंड अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पार्ट चाहिए तो भाई यहाँ पर तो टाइम स्टैम्प से ही ऑलरेडी, तो आप यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हो। अगर आपको पार्ट वीडियो चाहिए तो भाई वो भी आप देख सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर एक ब्लैंक चैनल के ऊपर काम करूंगा, जिसका आप देख पा रहे हो ये चैनल का नाम है मसल मैजिक जोन। तो ये एक फिटनेस चैनल है, तो मैं इस फिटनेस चैनल के एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन टेंशन करने की कोई बात नहीं, मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही सिंपल और ईजी वे में आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। मैं आपको यहाँ पर चैनल कैसे क्रिएट करते हैं वो बस नहीं दिखाया, मुझे पता है कि आपने अपना चैनल तो शायद क्रिएट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हो तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोज पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा एक हर ट्यूटोरियल एक ही वीडियो के अंदर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे वीडियो ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आपको सारा चीज़ें समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको सारा चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा गाइस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस चैनल के अंदर ना तो कोई लोगो है, अगर मैं इस चैनल को आपको खोल कर दिखाता हूँ तो आप देख पा रहे हो इस चैनल के अंदर कोई भी चैनल आर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना तो अबाउट सेक्शन के अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आज इस चैनल को एकदम प्रोफेशनल लुक देने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि आप वो कैसे कर सकते हो। अगर मैं कस्टमाइजेशन के अंदर आता हूँ, ब्रांडिंग पे आता हूँ, तो आप देख सकते हो ना तो इसका कोई प्रोफाइल पिक्चर है, ना इसका कोई बैनर इमेज है, ना इसका कोई वीडियो वाटरमार्क है, और यहाँ पर भी इसका कोई लोगो नहीं है, ठीक है, अकाउंट सेक्शन के अंदर भी। तो हम लोग आज यहाँ पर इसका प्रोफाइल पिक्चर बनाएंगे, बैनर इमेज बनाएंगे, यूट्यूब का वाटरमार्क भी बनाएंगे, और इसका फेसबुक के लिए भी एक कवर पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग एक आउट्रो बनाएंगे, इंट्रो बनाएंगे, और लोअर थर्ड्स भी बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कि एक के बाद एक हम लोग ये सब कुछ कवर करेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग इसका लोगो बनाते हैं, ठीक है। तो मैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है एडोब फोटोशॉप। अगर आप पीसी पे हो तो मैं जरूर से यही को रिकमेंड करूंगा कि आप एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड कर लो। मेरे इस चैनल पे एक पूरा 3 आवर्स का एक क्रैश कोर्स है एडोब फोटोशॉप का। इस वीडियो को देखने के बाद आप फोटोशॉप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, आपको फोटोशॉप के रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं होगा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखे हो तो भी आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके मैं आपको यहाँ पर जो काम समझाऊंगा वो काम आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। लेकिन सारा जानकारी के लिए आप वो ट्यूटोरियल जरूर जरूर देखना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर ब्लैंक शीट को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। और एक चीज़, अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर मैंने आपको फोटोशॉप का लिंक प्रोवाइड करके रखा हुआ है, आप वहाँ से फोटोशॉप का डाउनलोड कर लीजिए, और बस कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, 200 बाय 200 का एक यहाँ पर ब्लैंक शीट को ओपन करेंगे। अगर आपको यहाँ पर रिसेंट पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर आर्ट एंड इलास्ट्रेशन के अंदर आना, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बस इसके ऊपर क्लिक करो और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दो। कुछ वक्त के अंदर ये आपको क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे मैग्नीफाइंग नाम का एक टूल है जिसको बोलते हैं जूम टूल। तो बस इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, या फिर आप देख पाओगे फिट स्क्रीन पे एक ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब मैंने आपको बताया था ये एक फिटनेस चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है मैजिक मसल जोन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका नाम है मसल मैजिक जोन, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए एक लोगो बनाना पड़ेगा, लोगो बहुत टाइप्स का होता है गाइज। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बस इसका शॉर्ट फॉर्म लेके एक लोगो बनाऊंगा, मतलब लोगो में क्या रहेगा, MMZ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लोगो बनाऊंगा, पूरा नाम लोगो के अंदर मैं नहीं रखूंगा, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो लोगो में क्या रहेगा, MMZ। अगर आपका चैनल का नाम कुछ और है, जैसे कि आप मेरा चैनल का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, मेरा चैनल का नाम है दत्त स्टूडियो, और लोगो में आप देखना सिर्फ डी और एस है, ठीक है। तो ऐसे ही रेस्पॉन्सिव लोगो हम इस चैनल के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो जो लोगो होगा वहाँ पर रहेगा MM और Z। तो यहाँ पर ये हम लोगों का पेज आ चुका है, यहाँ पर आप देख पाओगे टी लिखा हुआ, एक्चुअली ये है टेक्स्ट टूल, ठीक है। तो हम लोग इसको लेंगे और यहाँ पर एक एम लिखेंगे, ठीक है। तो बस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, आप एक क्लिक करके भी छोड़ सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर बस कैपिटल M लिखेंगे और छोड़ देंगे,
इसको थोड़ा छोटा कर लेते, ठीक है हो गया। अब फिर से एक लेंगे और यहाँ पर एक स्मॉल एम लिखेंगे, इसको भी राइट कर देते, और एक फिर से लेंगे, यहाँ पर हम लोग शेर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का, हम लोग जो तीनों वर्ड लिखेंगे उसका काम तो यहाँ से हो गया हमारा। अब इसको हम मिडिल पे लाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने जब इसको टाइप किया था तब आपने देखा कि यहाँ पर चारों ओर बहुत सारी जगह बचा हुआ है, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तो आसानी रहेगा ये काम करने में। तो अब मैं इसको मिडिल पे लाऊंगा, कंट्रोल और टी दबाऊंगा, तो यहाँ पर ये चारों ओर में एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। अब हम किसी एक कॉर्नर को लेकर इसको ड्रैग करेंगे और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे रखेंगे इस साइड पे, इसको थोड़ा ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, बस ऐसे रखेंगे। एम को लेंगे, यहाँ पर लाएंगे, थोड़ा सा इसको भी बड़ा करेंगे, ऐसे करेंगे, और यहाँ पर लाके इसको छोड़ देंगे। इसके बाद अब आएगा जेड की बारी, और जेड को हम लोग लेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, वही सेम चीज कंट्रोल टी से हम ये कर रहे हैं, ऐसे लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और देखेंगे कि इसका साइज एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ये नीचे ज़्यादा बड़ा हो गया है, ऐसे लाएंगे इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, शायद अभी सही होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और छोटा करना ज़रूरी होगा। अब मैं यहाँ पर जो डाउन एरो है कीबोर्ड में उसको प्रेस, इसको थोड़ा नीचे लाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब मुझे लगता है सही है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊंगा, सब शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट की दबा के इस साइड को लेकर थोड़ा ड्रैग करके इसको ज़्यादा बड़ा कर दूंगा, ठीक है। बस तो ऑलमोस्ट हम लोगों का लोगो कंप्लीट है। अब इसके ऊपर हम लोग को थोड़ा डिजाइन वगैरह डालना होगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इन तीनों लोगों को लेकर कंट्रोल दबा के इन तीनों लेयर्स, आप देख पाओगे ये लेयर पैनल है, कंट्रोल दबा के मैंने इन तीनों सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको एक फोल्डर आइकॉन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये एक फोल्डर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आप देख पाओगे इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, एक सॉलिड कलर लूँगा और मैं यहाँ से ब्लैक कलर को चूज कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड मैंने ब्लैक किया है तो मुझे इन लेटर्स को व्हाइट करना है तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ से इसको लूँगा, यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो कलर है ये ब्लैक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं इसको व्हाइट कर दूँगा तो ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। राइट कर दूँगा, ये अप्लाई हो गया। ऐसे हम लोग को तीनों में ही करना है, लेंगे व्हाइट कर देंगे, ओके। मैं यहाँ से बस इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक, और यहाँ पर इसको व्हाइट सिलेक्ट करके ओके दबा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अप्लाई हो गया हम लोगों का काम। अब सेकेंड हम लोग जो काम करने वाले, ये एक फिटनेस चैनल है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक डंबल का लोगो ही यहाँ पर लगा देता हूँ। तो चलो हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं डंबल, ठीक है। तो DUMBLE एंटर, तो हम लोगों के पास डंबल का बहुत सारे इमेजेस आ जाएगा। तो मैं इमेजेस पे आऊँगा, मुझे एक छोटा सा क्लिप आर्ट लेना है, तो मैं यहाँ से टूल्स पे आऊँगा, ये लोड ले रहा है, इसको लोड लेने देते हैं। अब इसके बाद टूल्स पे आएंगे हम लोग, टाइप में हम लोग क्लिप आर्ट ले लेंगे, तो मुझे क्लिप आर्ट टाइप का चाहिए, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि देखते हैं कि चलो, हाँ ये जो है ये अच्छा दिख रही है, या फिर हम लोग अपने खुद के लिए एक बना भी सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, खुद के लिए डिज़ाइन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ एम का ये जो ये वाला हिस्सा है ये एक डंबल के जैसा दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसको बोलते हैं शेप टूल। तो हम लोग इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग को रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पर एक जो क्रॉस हेयर है ये प्लस जैसा हो गया। अब मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, बहुत ही आसान है, तो हो गया। तो यहाँ पर मेरा एक रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसका जो फिल है, यहाँ पर देख पाओगे फिल,
इसको मैं क्लिक करके व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लूंगा, तो अब ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। चलो सॉरी, फिर करते यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको व्हाइट कलर का सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो अब ये व्हाइट कलर का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो एम है, ये एम दिखने में थोड़ा और लग रहा है, तो हमको इसको ऐसा कर देना है, और एम का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो मैं एम है, एम के पास में आपको एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं लेयर मास्क। तो लेयर मास्क ऐड करेंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये ब्रश लेंगे, और आप देख पाओगे यहाँ पर कल ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो राइट क्लिक करेंगे, हार्ड ब्रश लेंगे, यहाँ पर हार्ड राउंड वाला जो ब्रश है, ठीक है, उसको लेकर यहाँ से ऐसे रिमूव कर देंगे, तो वो हिस्सा अब गायब हो गया है, ठीक है। चलो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल मुझे लगता है ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इस हिस्से से थोड़ा सा छोटा है, ठीक, तो मुझे शायद इसको थोड़ा बड़ा करना होगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल टी दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, मुझे लगता है आप ये शायद सही है। चलो यहाँ पर अगल बगल रख के एक बार चेक कर लेते कि एम का दोनों हिस्सा सेम है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से जूम टूल ले रहा हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूँ, इससे मुझे अच्छा अंदाजा मिल जाएगा कि ये दोनों सेम है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों सेम नहीं है अभी तक। मैं एरोस की को लेकर इसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कंट्रोल टी दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, और इस साइड का जो हिस्सा है शिफ्ट, अब इस साइड का जो हिस्सा है मैं शिफ्ट दबा के इसको इसके साथ एक लाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा एम का बोथ साइड सेम दिखेगा, ठीक है। अब फिट स्क्रीन करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको उठा के फिर से यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इस हिस्से को हम लोग डंबल जैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर इसको थोड़ा ऊपर लाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक इलिप्स टूल लेंगे, और इलिप्स टूल लेकर हम लोग यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा कि ऊपर में दिखने में थोड़ा सा डंबल जैसा लगेगा। मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, शिफ्ट दबाने से ये एकदम राउंड जैसा होगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये व्हाइट कलर का आएगा, सही है एकदम परफेक्ट। तो इसको हम लोग ऊपर रखते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, और इसको लेकर हम लोग नीचे की ओर रखेंगे, ठीक। तो अब ये कहीं ना कहीं तरफ से एक डंबल जैसा लग रही है, तो इसको मैं थोड़ा सेंटर कर देता हूँ, सही लग रही है अब मेरे ख्याल से, ये सही है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने जो बैकग्राउंड लिया था उसको हम लोग फुल डार्क कर देंगे। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इसको पूरा रखा पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा डार्क हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मेरा जो दोस्त है उसका बाइसेप्स का एक ओवरले ऐड कर दूंगा, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ पर उसका पिक्चर्स रखा हुआ है मेरा। तो व्यू करते हैं, लार्ज आइकॉन्स करते हैं, तो ये रहा उसका पिक्चर्स। तो मैं एक पिक्चर्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसका इमेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको राइट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस इमेज के ऊपर थोड़ा काम करना है, तो मैं इस सभी चीज़ों को एक ग्रुप को मैं यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया था। अब मैं इसको लूँगा, कंट्रोल टी दबाऊंगा, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसको बड़ा करने की ज़रूरत है, और उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे इस इमेज को थोड़ा छोटा भी करना है, ठीक है। तो मैंने इस इमेज को छोटा कर दिया। अब मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, इस इमेज को लूंगा, कंट्रोल टी दबाऊंगा, इसको बड़ा करूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका हाथ रखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना
सही होगा। ओके क्रॉप टूल लेते हैं, ठीक है सही है, सॉरी मेरे ख्याल से इतना एकदम परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और एनहेंस करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड को मुझे डार्क करनी है। तो मैं एक काम करूंगा, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लूंगा, राइट क्लिक दबाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं लूंगा कर्व एडजस्टमेंट लेयर। आप लेवल्स भी ले सकते हो अगर आपको आता है। तो मैं यहाँ से कर्व लेके एक काम करूंगा कि जो डार्कन एरिया है उसको थोड़ा डार्क कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा डाउन पे लाऊंगा और यहाँ से इसको थोड़ा आप पे लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि कैसा लगती है ये। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक ब्रश लेता हूँ, ठीक है, अब मैं इस साइड को चूज करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं एक ब्रश लिया हूँ, राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश में सिलेक्ट कर लूंगा और काला रंग सिलेक्ट करके मैं इसके ऊपर बस पेंट करूंगा। इससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर मैं इसके ऊपर काला ब्लैक कलर से पेंट करता हूँ तो ये जो जहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा डार्क हो चुका है उसको रिमूव कर देगा और जहाँ पर ये बस जो बॉडी है बॉडी को ये रिफिल कर देगा, ठीक है। तो आप देख पाओगे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको व्हाइट में लाऊंगा और इसका फ्लो को बहुत सा घटा दूंगा, ठीक है, 4 के आसपास लाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, सॉफ्ट ब्राउन ब्रश को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब इसका साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब मैं काम करूंगा कि थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको पेंट करूंगा, ठीक, देखना मैं कैसे काम कर रहा हूँ। जहां जहां मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा जरूरत है मैं बस वहां वहां इसको पेंट करूंगा। जैसे मुझे लगता है कि हथेली थोड़ा इसका ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा पेंट करूँगा, थोड़ा सा इस जगह पर पेंट करूँगा, ठीक है। जहाँ बस मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा ज़रूरत है मैं बस वहाँ पर ही इसको पेंट करूँगा। मुझे लगता है इतना काफ़ी है, थोड़ा यहाँ पर भी देखते हैं, ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। मुझे और कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रही है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये लोगों, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि ये कैसा दिख रहा है, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, अगर बड़ा करता हूँ तो कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। डेफिनेटली हम इस जो डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट किया है इसके ऊपर भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे ये जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना लोगो को बना लिया है और हम लोगों का लोगो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें भी दूसरा काम करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगा। हाँ, अब हम लोगों का लोगो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको कैसे बाहर लाऊंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल पे आऊँगा, फाइल पे आने के बाद यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करूँगा, सेव एज पे आने के बाद डेस्कटॉप पे आऊँगा, यहाँ पर मैं एक फोल्डर ही क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस फोल्डर का नाम दूंगा MMZ, ओपन करूँगा और पहले मैं इसको ऐसे ही PSD फॉर्मेट पे सेव कर दूंगा क्योंकि मुझे ये बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी इसको PSD फॉर्मेट पे सेव करूँगा, उसके बाद इसका एक JPG वर्सन भी सेव कर लूँगा क्योंकि अगर मुझे इसको बाद में एडिट करने की ज़रूरत पड़े तो मैं सिर्फ PSD फॉर्मेट से ही इसको एडिट कर सकता हूँ, बाकी किसी फॉर्मेट में मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर JPEG ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, इससे क्या होगा एक JPG वाला फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा, ये दिखा रही है इसका साइज़ कैसा रहेगा। तो मैं इसका साइज़ यहाँ पर थोड़ा सादा वाला ही ले लेता हूँ, ओके पे दबा देता हूँ। अब ये यहाँ पर सेव हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आप देख सकते हो ये यहाँ पर सेव हो चुका है। तो अगर मैं इस इमेज को यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो चलो देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो मैंने जो फाइल यहाँ पर सेव किया था वो था कहाँ पर गया, हाँ ये रहा, इसको सिलेक्ट किया, ओपन करूँगा। अब ये यहाँ पर दिखा रही है कि कैसा आएगा ये इमेज, ठीक है। तो
ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सिल के बाहर जा रही है, ठीक है, तो मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये एम का लोगो बाहर जा रही है, पर मुझे इसको फिक्स करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास ये रहेगा तभी आप इसको फिक्स कर पाओगे। तो मैं इसको फिक्स करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख पाओगे क्रॉप टूल है, तो मैं क्रॉप टूल लूंगा यहाँ से, बस इसको कुछ इस तरीके का इधर बढ़ा दूंगा और मैं कुछ इस तरीके से इस साइड में इंक्रीज कर दूंगा। ओके, तो अब मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम था वो चले जाना चाहिए। मैं इसको राइट पे दबाऊंगा। अब आप देख पाओगे कि इस तरीके यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स आ चुका है जो कि सही नहीं लग रही है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, ठीक है, ब्रश लूंगा, ब्लैक कलर लूंगा, फ्लो को बढ़ा दूंगा और इसको भी ऐसे हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब ये कुछ सही लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलो फिर से थोड़ा सा हम लोग इसको ऐड करते हैं, क्योंकि दिखने में कुछ कुछ चीज़ों यहाँ पर तो अगर डार्क रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब हम इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे और मेरे ख्याल से ये अभी बराबर एकदम सही से अपलोड भी हो जाएगा। चलो इसको ओपन करते हैं और अपलोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये अभी बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूँगा और ये एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर गाइस अपलोड हो चुका है और मुझे दिखने में काफ़ी कूल लग रही है। चलो अच्छा, यहाँ पर आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेव नहीं होगा। तो मैंने पब्लिश कर दिया है। अब मैं अगर व्यू चैनल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपना लोगो देखने को मिलेगा, तो लोगो नहीं दिखा रहा। चलो इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर लोगो आना चाहिए अभी, जिसका आप देख पा रहे हो इस साइड पे तो लोगो आ चुका है, यहाँ पर भी लोगो आना चाहिए। तो मैं इसको रीओपन करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर लोगो आ चुका है और यहाँ पर भी लोगो आ चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने लोगो बना लिया है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम YouTube के चैनल आर्ट बना सकते हैं। तो गाइस पिछले बार में हमने देखा था कि कैसे आप अपने चैनल के लिए लोगो बना सकते हो और अभी हम लोग जानेंगे कि इसी चैनल के लिए हम लोग कैसे अपना YouTube चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि YouTube चैनल आर्ट किसी भी चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और ये चैनल को एक प्रोफेशनल लुक भी देता है। तो चलो देखते हैं कि हम लोग एक YouTube चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नया फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अगर आप इस होम पेज पे हो तो आपको बस क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और इसका रेजोल्यूशन थोड़ा अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका रेजोल्यूशन होगा 2560, आपको यही टाइप करना पड़ेगा, 2560x1440, ठीक है, क्रिएट करो और ये कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसका जो रेजोल्यूशन है 3300 सही है, ठीक, तो वो मैंने एक्चुअली मिस कर दिया था। तो अब हम लोग को यहाँ पर इसका चैनल आर्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जो कि एक रेफरेंस इमेज है। तो मैं इस इमेज की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ये इमेज यहाँ पर ऐसे उसके ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा, इससे क्या होगा आपको रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब का चैनल आर्ट बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्स है। तो आपको उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर ये पूरा चीज़ आपका यूट्यूब का चैनल आर्ट है तो ये जो डार्केस्ट पोर्शन है, ये डार्केस्ट पोर्शन सिर्फ आपको मोबाइल पे दिखेगा, ठीक है, डेस्कटॉप या पर आप देख पाओगे, डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल। तो ये जो पूरा डार्केस्ट एरिया है 1546x432, ये रेजोल्यूशन का एरिया सिर्फ आपको मोबाइल पे दिखेगा। अगर आप इसको टैबलेट पे खोलते हो तो यहाँ से लेकर, मैं आपको अगर इससे दिखाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आपको टैबलेट पे दिखेगा, ठीक है। मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, इससे डिसलेक्ट हो जाएगा और ये पूरा हिस्सा अगर आप पीसी पे खोलते हो तो ये पूरा हिस्सा दिखेगा। तो हम लोग को इस चीज को ध्यान में रख के ही अपना जो चैनल आर्ट है उसको डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अपना चैनल आर्ट को डिजाइन करेंगे। यहाँ पर मैं जो इमेज इस्तेमाल करने वाला हूँ, मेन इमेज, आपको भी एक इमेज चूज कर लेना चाहिए जो इमेज को आप अपने चैनल आर्ट के लिए इस्तेमाल करोगे।
तो मैं जो इमेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं ये एक दोस्त के लिए कर रहा हूँ, मैं बस उसका जो फोटो है यहाँ पर ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा तो वो इमेज इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा और आप लेयर सेक्शन पे अगर आओगे तो आप देख पाओगे ये जो गाइडेंस था, जो रेफरेंस था, ये इमेज नीचे आ चुका है, मतलब डाउन में है। तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा तो ये रेफरेंस ऊपर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस रेफरेंस को मैं यहाँ पर आप देख नॉर्मल सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको नॉर्मल से स्क्रीन कर दूंगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, मैं इसके बीच से मेरा जो मेन इमेज है उसको भी व्यू कर पाऊंगा। अब मैं काम करूंगा, मुझे ये काम यहाँ पर कई बार करना पड़ेगा, मैं इसको हाइड और अनहाइड करते जाऊंगा। ठीक है, और मैं काम भी कर सकता हूँ, मैं इसको ओपेसिटी भी थोड़ा यहाँ से नहीं छोड़ता, मैं बस इसको हाइड कर देता हूँ और कंट्रोल टी दबा के मैं इस इमेज को थोड़ा लार्ज करूंगा। अप्लाई करता हूँ, थोड़ा मैं इमेज को छोटा कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये दिखने में कुछ अच्छा लगेगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मुझे अगर मैं मोबाइल पर रहूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये उतना तो बुरा नहीं लग रहा। तो मैं इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, सॉरी रेफरेंस वाली इमेज आके, तो मैं इसको पकड़ के कंट्रोल टी दबा के इसको थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ, तो देखता हूँ कैसा लगती है। मेरे ख्याल से अगर इतना होगा तो शायद सही रहेगा, नहीं अगर इतना रहेगा तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। चलो इसको मैं देखता हूँ कहाँ पर रहेगा तो सही रहेगा। हाँ, ये पोजीशन मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा हाइड करता हूँ। अब मैं एक काम करूँगा, इसके पीछे एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर लूँगा और उसका कलर भी मैं ब्लैक कर दूँगा। ओके, और इसके ऊपर मैं काम करूँगा, मैं इसके ऊपर कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लूँगा और इसको भी जितना हो सके डार्क कर दूँगा, जिससे क्या होगा कि ये बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मिल जाए। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, मैं इस इमेज के ऊपर लेयर मास्क को अप्लाई करूंगा। तो अगर आपको लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको एक वीडियो रेफर कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख लो, आपका लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बारी बारी से बता भी रहा हूँ। तो बस आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, मेरा लेयर ये वाला सेलेक्ट किया है जो मेन लेयर है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये लेयर मास्क के ऊपर मुझे पेंट से बस पेंट करना है। ठीक है, मेरे यहाँ पर सॉफ्ट राउंड बस सिलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन को ओपन हो रहा है। ठीक है, तो बस मुझे यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा करके हटा देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये यहाँ से चला गया। ठीक है, मैं इसका फ्लो थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ऐसे करके इस साइड से भी इसको हटाना है। अगर आप फ्लो को घटा दोगे तो ये थोड़ा कम रिमूव होगा, अगर सादा फ्लो रहेगा तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी रिमूव हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से रिमूव करूँगा। ठीक है, साइज थोड़ा घटा लेता हूँ, फ्लो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब मेरे ख्याल से कुछ हद तक ये सही है। ठीक है, तो फिट स्किन करता हूँ, फिर से मैं इस चीज को हटा देता हूँ, मुझे जितना लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा है मैं उसको ऐसे हटा दूंगा। अब आप देख पाओगे कि ये बॉडी बहुत ही ज्यादा डार्क दिख रही है, तो मुझे इसको थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, साइज को इंक्रीज करूंगा और इसके ऊपर से भी, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, मुझे अब इसके ऊपर से इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो लेयर है यही लेयर इसको डार्क कर रही है। ठीक है, तो मुझे इस बॉडी के ऊपर से ये डार्क वाला हिस्सा को हटाना पड़ेगा। तो मैं अब इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला व्हाइट पेपर के ऊपर। तो मैं थोड़ा फेस से इसको हटाऊंगा, थोड़ा सादा हो रही है, तो मैं यहाँ से इसका फ्लो को घटा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है,
अब मैं काम करूंगा यहाँ पर। इसका आप देख पा रहे हो बॉडी थोड़ा लाइट हो रही है। बस ऐसे करके आपको बॉडी को कवर करनी है कि बॉडी बहुत ही ज्यादा डार्क दिख रही थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा लाइट करनी है इसको। मैं एक्चुअली लाइट नहीं कर रहा हूँ, बॉडी पहले से लाइट था, मैं बस इसके ऊपर जो डार्क लेयर को अप्लाई किया था बस मैं उसको रिमूव करने की कोशिश कर, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे करके इसको कंट्रोल से दबा रहा हूँ, वो सही था मेरे ख्याल से। थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट ये सही है, ठीक है? तो मैं फिर से रेफरेंस वाली इमेज को ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ तक मुझे मोबाइल पे दिखेगा। मुझे मोबाइल पे यहाँ तक दिखेगा, ठीक है? तो मुझे इसके अंदर मैं अपना लोगो को लगानी है, ठीक है? तो मैं एक काम करूँगा, अब यहाँ से अपना लोगो को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरा एम था और एम के साथ मेरा ये जो दोनों इलिप्स और रेक्टेंगल था, चलो तो मैं सभी को कंट्रोल दबा के एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं फोल्डर के अंदर करके इसका नाम दे देता हूँ एम, क्योंकि मेरा ये एम एम है, ठीक है? तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने गलत किया, मैंने दूसरे एम को कॉपी कर लिया था यहाँ। तो ये बड़ा जो कैपिटल एम है ये इसके अंदर आना चाहिए। तो मेरा कैपिटल एम यहाँ पर है, ठीक है ना? तो मुझे पहले तो इस एम को बाहर निकालना पड़ेगा इस फोल्डर से। अब ये जो कैपिटल एम है इसको इसके अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है? कैपिटल एम इसके अंदर आ गया है, ये एम आ चुका है। अब मुझे इसको कॉपी करना है, अब यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना है। अब ये सही से आ चुका है, कंट्रोल टी दबाऊंगा, इसको छोटा कर लूंगा, यहाँ पर लाऊंगा, छोटा कर लूंगा थोड़ा सा। मैं शिफ्ट दबा के थोड़ा इसको स्क्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। कंट्रोल जेड दबा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। मुझे लगता है इसका स्टाइल थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं इसको फिक्स कर लूंगा। हाँ चलो, अब लगता है सही है, कुछ फिर से गलती हो गई। एम को रख क्लिक करके रखना है, कंट्रोल टी दबाना है, इसको ऊपर लेना है ऐसे, सही है? कुछ इस तरीके से मेरे ख्याल से यहाँ तक इतना डिस्टेंस सही होगा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, बस सिंपल लिखना है मैजिक मसल जोन, और कोई और कुछ काम नहीं है इसके ऊपर। यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और AGIC, सॉरी मसल मैजिक जोन था उसका नाम, SCLEMAGIC। अब मैं यहाँ पर जेड को कैपिटल में लिखूंगा, ZOOE, और मैं काम करूंगा जेड को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, और इसको बोल्ड कर दूंगा। सॉरी ये बोल्ड है पहले से, चलो छोड़ते हैं। अब देखो ये कितना सिंपल है लेकिन दिखने में भी इतना अच्छा लगेगा। तो मेरा ये जो राइटिंग था ये यहाँ पर है, मैं इसको कंट्रोल टी दबा के इसके बगल पे लाके छोड़ दूंगा। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये बहुत ही छोटा दिख रही है। अब ये कुछ सही सा लग रही है मुझे। अब मैं बस एरो की से इसको सही कर रहा हूँ, चलो सही है। अब अगर मैं ऊपर से ये रेफरेंस वाली इमेज हटा देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है? फिर से मैं रेफरेंस को ऑन करूँगा और इसके ऊपर इस बंदे का नाम लिखूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो इसका साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि साइज बहुत ही छोटा है। हाँ ये सही है, मैं इसका फॉन्ट भी चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि ये फॉन्ट
उतना अच्छा नहीं लग रही है मुझे, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा फोन जचेगा यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये वाला फोन अच्छा लग रही है, तो मैं ये वाला फोन को सेट कर रहा हूँ और इसको मैं रिमूव करके लिखूंगा फिटनेस बाय देवजीत। तो ये एक्चुअली बंदे का नाम है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से रेफरेंस को हटा देता हूँ तो ये कुछ अच्छा दिखेगा दिखने में। चलो इसको ओपन करते हैं। अब देख पा रहे हो कि ये लेटर जो राइटिंग है बहुत ही आसपास है, तो मैं यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको लेकर इसको थोड़ा स्पेस कर दूंगा, तो ये थोड़ा गैप गैप से आएगा, तो दिखने में पढ़ने में थोड़ा आसान होगा। ठीक है, थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं। हाँ सही है, बहुत बढ़िया दिख रही है। अब मैं इसको फिल स्क्रीन करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा कंट्रोल टी दबा के थोड़ा सा इसका साइज को बढ़ाता हूँ, क्योंकि तो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ तक सही है, लेते हैं इसको, इसको पकड़ के यहाँ तक लाते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सही होगा, या तो आप चाहते हो तो इसको थोड़ा ऊपर ला के, नहीं ये ऐसा ही सही है, मैं कह सकता सही है, या फिर इसको मैं मिडिल पर ला देता हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। हाँ अब ये सही है। ठीक है, अब मैं एक काम करूँगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। अब मैं यहाँ पर इसका ही एक और इमेज ला के छोड़ दूंगा, दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, देखते कि कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो सही है, नहीं तो रिमूव कर देंगे। तो मैं इस इमेज को यहाँ से पकड़ूंगा और ला कर यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, अब मैं फोटोशॉप को बोलूँगा कि भाई एक काम कर, इसकी इमेज से इसका जो चेहरा है उसको बाहर निकाल। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लाऊंगा, क्योंकि आप देख पाओगे कि ये व्हाइट डॉट आ रहा था यहाँ पर। अब मैं इस टूल का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नाम का एक टूल है, तो मैं इस टूल को क्लिक करूंगा, सिलेक्ट हो गया। अब मैं बस ऐसे यहाँ पर ड्रैग करूंगा और ये ऑटोमेटिकली इस सब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करके दे देगा। अब देखो कुछ वक्त देगा और ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मुझे दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये राफली एक एक सिलेक्शन करके मुझे दिया है। लेकिन यहाँ पर ये वाला चीज भी ऐड हो चुका है, ये ग्रास, तो मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा इस टूल के ऊपर और यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पर माइनस वाला आइकॉन है, इसको सिलेक्ट करूंगा और जूम टूल की मदद से थोड़ा सा जूम कर लूंगा, क्योंकि मुझे उसको हटाना है इस चीज को। बस फिर से इस टूल में सिलेक्ट करूंगा मैं और इसको मैं सिलेक्शन से हटा दूंगा। बस मैं क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा और ये ऑटोमेटिकली ऐसे हट जाएगा, एकदम राफली सेलेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, बहुत ही इजी था। तो फिर स्क्रीन पे आते हैं। अब ये कई हद तक सही लग रही है मुझे, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ से इस चीज़ को हटाना चाहिए मुझे ख्याल से, तो इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो बाहर जाओ तुम भी, फिट स्क्रीन। अब ये बहुत हद तक सही है, मैं बस इसके ऊपर ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करूंगा, आप देख पाओगे लेयर मास्क, तो ये एकदम सही से इसको हटा देगा। अब मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा। अब मुझे एक थोड़ा सा और भी काम करना है, अगर आपको बहुत अच्छा सिलेक्शन करनी है, मैं यहाँ पर बहुत ही रफ सिलेक्शन किया हूँ, तो अगर आपको थोड़ा अच्छा सिलेक्शन करना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करना है। वैसे भी मैं इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बना कर रखा हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर बता दूंगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्मार्ट रेडियस के ऊपर क्लिक करना है, रेडियस की वैल्यू इसको थोड़ा सा बढ़ानी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिफाइन एज टूल, इसको सिलेक्ट करनी है, थोड़ा सा इसको जूम इन करनी है, और रिफाइन एज टूल की मदद से आपको सारे चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है,
ये क्या करेगा, जो हेयर है उसको थोड़ा सा सही करने में आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ पीसर्स है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं काम करूँगा, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्मूथ का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और कॉन्ट्रास्ट का भी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इधर अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो सही होगा, कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा थोड़ा बढ़ाएंगे हम। नहीं, कॉन्ट्रास्ट में दिक्कत हो रही है तो उसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा फेदर को ही चेंज करके देखते हैं कि कैसा लगता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको ऑन करते हैं, डिफाइन स्टूल को लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ये वाइट दिख रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो चलो जितना है उतना किया है हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डी कॉन्टामिनेट कलर, बस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी इसको चेक करेंगे और अब देख पाओगे कि वो जो हिस्सा था वो गायब हो चुका है मैजिकली। ठीक है, अब बस इसके ऊपर हम लोग ओके कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली हम लोगों को एक नया लेयर ला के दे देगा। ठीक है, तो बस अब मैं एक काम करूँगा, इसको सबसे नीचे लाऊँगा, इस लेयर को बस ड्रैग करके ला दो तो ये सब के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं काम करूँगा, कंट्रोल टी दबाऊँगा कि मुझे इसको छोटा करना है। ठीक है, तो बस मैं इसको छोटा करके यहाँ पर लाऊँगा। अब मैं देखना चाहता हूँ रेफरेंस इमेज की मेरा रेफरेंस कहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि मेरा रेफरेंस यहाँ पर है, तो मुझे इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको सही करना है, क्योंकि जब मैं डेस्कटॉप पे ओपन करूँगा तब ये यहाँ तक ओपन होगा, अगर मैं डेस्कटॉप में ओपन करता हूँ तो ये कुछ सादा हिस्सा होगा। अगर मैं फ़ोन पे, अगर मैं डेस्कटॉप में ऐसा रखता हूँ तो आप देख पाओगे कि डेस्कटॉप में यहाँ पर ब्लैंक दिखाएगा, जो कि बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं फिर से कंट्रोल टी दबाता हूँ और इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अगर मोबाइल पर दिखेगा तो मैं चाहता हूँ कि इसका चेहरा का आधा हिस्सा ही दिखे, मैं ट्राई करके दिखूंगा कि कैसा लग रही है, उसके बाद इसको चेंज कर दूंगा अगर देखता हूँ कि बुरा लग रही है। ठीक है, यहाँ तक लाऊंगा, यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा। चलो अब इसको ओके करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं और फिर स्किन करते हैं। इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। अब मैं एक काम करूंगा, इसके ऊपर एक व्हाइट बार यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि ये ऐसा है तो दिखने में अच्छा नहीं लग रही है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक दबाऊंगा, यहाँ पर से मैं लाइन टूल को लूंगा और लाइन टूल को लेकर मैं इसके नीचे बस इसके ऊपर, ठीक है, तो इस जगह से मैं एक लाइन लगाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा तो ये स्टेट आएगा, यहाँ तक लूंगा, बस हो गया। तो अब मुझे देखना है कि ये इसका फिल मुझे वाइट करना है, क्योंकि मैं इसको वाइट बनाना चाहता हूँ, ये मैं डैश लाइन नहीं चाहता, मैं एकदम प्लेन लाइन चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे काम करना है कि इसको मुझे देखना है कि ये कितना ज़्यादा विड्थ देती है मुझे। तो आप देख पाओगे यहाँ पर स्ट्रोक भी आ चुका है, तो मुझे स्ट्रोक चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो मैं देखता हूँ कि ये लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो मैं फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, इसका तो कलर सही है। तो यहाँ पर आते हैं और इसका मुझे विड्थ थोड़ा बढ़ानी है, वैसे ये भी कुछ बुरा नहीं लग रही है। अगर मैं इसको ऐसा लगता हूँ, फिल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो भी मुझे लगती है कि ये दिखने में अच्छा ही लगेगा। चलो देखते हैं कैसे लगती है, अगर मैं इसका जो विड्थ है उसको थोड़ा छोटा करता हूँ,
हाँ अच्छा लगेगा, चलो एक्सपेरिमेंट में कुछ तो अच्छा आया है। तो मैं इसको इसके नीचे लाता हूँ, आप देखते हैं कि ये कैसा दिखती है। मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर ये ब्लू है, क्योंकि ब्लू अच्छा लग रही है मुझे। तो मैं यहाँ से कलर पिकर को लूँगा, यहाँ से ब्लू ले लूँगा, ओके कर दूँगा, ओके, और कंट्रोल टी दबाते हैं। इसको थोड़ा मैं स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ, शिफ्ट दबाया और इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा। इतना तक सही है मेरे ख्याल से, सही है। चलो फिर स्किन पे आते हैं और मूव टूल को लेंगे। मूव टूल को लेने के बाद इसको, सॉरी मैं दूसरे लेयर को स्किप कर रहा था, मुझे इस लेयर को लेना है, कंट्रोल टी दबाना है और इसको थोड़ा सा स्किप कर देना है। हाँ राइट, थोड़ा सा तो सही है। फिर से मैंने दूसरे लेयर को ले लिया, आप इसको ध्यान में रखना। लाइन वन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी दबाना है। चलो मेरे ख्याल से सही है ना, भी बुरा नहीं लग रहा है। बस इसको थोड़ा नीचे करना है, मैंने फिर से गलत लेयर को मूव कर रहा था। हाँ अब सही है, फिट स्पीड। चलो मेरे ख्याल से अब ये कुछ हद तक सही लग रही है, ये वाला लेयर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, ओके, तो ये लाइन के ऊपर है, इसको लाइन के नीचे लाना पड़ेगा। ओके तो कुछ गलती हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर हाइड हो रही है, तो देखते हैं ये क्यों हाइड हो रही है। ठीक है, ओके, तो ये इस लेयर की वजह से यहाँ पर हाइड हो रही है, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और इसको अनहाइड करना पड़ेगा। राइट क्लिक दबाते हैं, सब सिलेक्ट किया हुआ है, फ्लो को बढ़ाते हैं और इसको यहाँ से हम लोग अनहाइड कर देंगे। अब मुझे पता चला कि इसीलिए यहाँ पर हाइड हो रही थी। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा देख लेना कि हाइड क्यों हो रहा था, मुझे ये अभी पता चला। चलो कोई बात नहीं है, जैसा यहाँ पर लेते हैं, वाइट करते हैं सिलेक्ट। अब इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, इससे क्या होगा कि ये यहाँ पर ब्लर हो रही है, ऐसा एक इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही है। फिर से थोड़ा सा लेते हैं, फिर से इसको यहाँ तक हम लोग इसको ब्लर करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ऑप्स, ऑलमोस्ट सही है। अगर बाद में कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली चेंजेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही लग रही है मुझे। तो बस मैं काम करूँगा, पहले तो इसको सेव कर लूँगा, सेव एस दबा के। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नाम दूंगा चैनल आर्ट। ठीक है, सेव करूंगा। अब इसको सेव एस करके जेपीईजी पे हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव, इसका साइज थोड़ा बड़ा रखेंगे। अब इसको हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक, तब देख पाओगे कि यहाँ पर बैनर इमेज आ रही है। तो बस हम लोग को इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करनी है और इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। तो ये रहा हम लोग की वो चैनल आर्ट, इसको ओपन करेंगे और ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका आधा हिस्सा यहाँ पर आएगा और आधा हिस्सा जब पूरा हम लोग डेस्कटॉप पे देखेंगे तब आएगा, और मोबाइल पे सिर्फ इतना तक आएगा। ठीक है, और जब कोई इसको टीवी पे देखेगा तब ऐसा पूरा का पूरा इमेज ओपन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डन करते हैं, पब्लिश करते हैं। अब मैं आपको इसको पीसी पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो गो टू चैनल पे जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि हम लोगों के जो बैनर आर्ट है वो कैसा दिख रहा है। तो ये भी लोड लेने में थोड़ा वक्त ले रहा है मेरे ख्याल से, ये घूम भी रहा है यहाँ पर।
तो देखते हैं कब लोड लेता है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ से लोड ले रहा है। मेरे ख्याल से ये काफी सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, ये मैजिक जोन बाय गेमजी मोटो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का जो सफर था वो आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोगों ने इस चैनल के लिए लोगो भी डिजाइन कर लिए थे और इसका एक चैनल आर्ट भी क्रिएट कर लिए थे। तो अब हम लोगों का जो काम बचे रहता है वो है चैनल के लिए एक इंट्रो बनाना। तो मैं अब आपको एक बहुत ही सिंपल से इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले वो है ऑंडरसाइड फिल्मोरा 9। ये एक बहुत ही इजी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं तो आपको सबसे रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इसी सॉफ्टवेयर से अपना काम को चालू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है। और अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो भी आप वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसानी से चला सकते हो, क्योंकि लो एंड डिवाइस पे भी ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से और वो एकदम माखन जैसा चलते आए। ठीक है ना, तो चलो इसको ओपन होने में देते, थोड़ा वक्त लगेगा ओपन होने में। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ओपन भी हो चुका है। तो बस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये ऐसा कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग अपना जो टेम्पलेट है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज सेंडर से मैसेज आ रही, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और मेरे पास एक बेसिक सा टेम्पलेट है, मैं यहाँ पर एक बेसिक सा लोगो रिवील वाला इंट्रो बनाऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल से है बनाना और बहुत ही बेहतर लगेगा दिखने में। ठीक, तो इसके आप देख पा रहे हो कि हम लोगों का जो टेम्पलेट था वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे इसको कुछ एडिटिंग करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको मैच नहीं करवाना चाहूँगा, डोंट चेंज। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये है हम लोगों का जो इंट्रो है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर इसके साथ भी कुछ और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जो है कि मेरा एक लोगो है और उसके साथ ये वाला इमेज। ठीक है, इन दोनों को भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो ये दोनों भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये इसके नीचे आ जाए और ये लोगो इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको एक बार प्ले करके देखता हूँ। हाँ, तो कुछ यहाँ पर, हाँ तो इस यहाँ से मेरे ख्याल से एक्चुअली यहाँ पर दोनों आ चुका है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से इन लोगों को चालू होना चाहिए। तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, और छोटा करके मुझे इसको इसके बराबर से लाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऐसा सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये आ चुका है, इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऊपर लाता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, इसको एकदम साइड पे ला छोड़ देता हूँ, इसको थोड़ा मुझे बड़ा करना है तो मैं यहाँ पर लाऊंगा। आप देखना इसका एरो चेंज हो रहा है, क्लिक करके मैं यहाँ तक ला के छोड़ दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ तक लाऊंगा और पूरा आखिर तक लाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे तो आप देख पाओगे कि ये कुछ इस तरीके का लगेगा। जब ये एंड होगा, एक्चुअली मुझे अभी तक ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मुझे इसका जो लेवल है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसका डबल क्लिक करूंगा। अब मैं कॉम्पोजिटिंग पे आऊंगा, यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लेंडिंग मोड है, मैं इसको यहाँ से स्किन कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो आप देख पाओगे कि अब मुझे जो दोनों में जो बीच वाला था वो यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बार फिर से चेक करूँगा कि ये कैसे लग रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का लग रहा है ये। ओके, मेरे ख्याल से मुझे इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसको फिर से ला के एक बार प्ले करके देखता हूँ कि कैसा लगती है। अब मेरे ख्याल से ये सही है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। देखो, सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, अब देखो ये कैसा लग रही है दिखने में, यहाँ से आ रही है यहाँ तक जाने के बाद ये
डैमेज हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा एक इफेक्ट डालेंगे। तो ये ब्लास्ट कहाँ से चालू हो रही है, तो यहाँ से ये ब्लास्ट हो रही है, ठीक है। तो जो नीचे वाला पिक्चर है, तो इसको हम ये वाला जो आप देख पाओ सीजर के एक यहाँ पर आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर से इसको प्ले करेंगे, तो जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है इसी जगह पे हम लोग एक और कट लगाएंगे, ठीक है। तो एक और कट लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोनों कट लगा चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग अपना ट्रांसलेशन को डालेंगे, ठीक है। तो ओके करते हैं इसको। अब यहाँ पर आ जाते हैं इफेक्ट्स पे, ठीक है। तो इफेक्ट्स पे देखते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट हम लोग को यहाँ पर, हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग कौन से इफेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखते हैं मिरर नाम का कोई इफेक्ट है कि यहाँ पर, हाँ। तो पहले जो मिरर वाला इफेक्ट है इसको मैं बीच में डालना चाहूंगा। चलो देखते हैं कि कैसा लग रही है दिखने में। क्या बढ़िया लग रही है, मेरे ख्याल से अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो शायद दिखने में थोड़ा अच्छा लग सकती है। तो एक काम करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म पे आते हैं और इसको फ्लिप करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसा लग रही है। ये ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके का होगा। तो अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा और कुछ भी इफेक्ट्स डालेंगे। चलो देखते हैं और क्या क्या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। कुछ अच्छा नहीं है, ये भी कुछ बढ़िया सा नहीं है। हाँ, तो हम बीच में थोड़ा अलग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पीड ब्लर वाला जो ट्रांसलेशन है हम लोग बीच में उसको इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे और इसको थोड़ा सा कंट्रोल सेट तो इसको पकड़ के हम लोग इसके बीचों बीच लाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लाएंगे, आप देख पाओगे माउस का कर्सर का आइकन चेंज हुआ, इसको छोटा कर देंगे। फिर से हम लोग इस वाले को लेंगे और यहाँ पर डालेंगे इसके एकदम बीचों बीच, और इसको ड्रैग करके छोटा कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि कैसा दिख रहा है अभी। चलो ऑलमोस्ट सही है। अब हम लोग को कुछ और भी इफेक्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हम लोग को यहाँ पर एक फेड इन इफेक्ट डालना पड़ेगा इंट्रो के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फेड, यहाँ पर बेसिक पे आते हैं, यहाँ पर आपको फेड देखने को मिलेगा। फेड को हम लोग यहाँ पर लाएंगे और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, साइड पर लाएंगे। और ये जो फेड वाला इफेक्ट है इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देंगे यहाँ तक, ओके। एंड वाले इफेक्ट में हम लोग कुछ नहीं डाल रहे, बस स्टार्टिंग में हम लोग फेड डालेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर से, ये आया और ये ऐसे चला गया, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें कुछ इफेक्ट जैसे कि डालने की कोशिश कर रहे थे वही डालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर लाने के बाद इसको क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पर इसको क्रॉप कर सकते हैं, सॉरी यहाँ तक इसको एक क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ तक इसको एक क्रॉप कर सकते हैं। और ये जो बैड टीवी सिग्नल वाला इफेक्ट है इसको यहाँ पर और यहाँ पर डाल सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि कैसा लग रही है। बहुत बढ़िया लग रही है, ठीक है। आप बताना कि आपका कैसे, आपको कैसे लग रही है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल सा लोगो है, इंट्रो है, और दिखने में भी बहुत कमाल का लग रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे हम लोग को अपना नाम भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर एक नाम
मतलब नेम को ऐड करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर आप देख पाओगे टेस्ट नाम का यहाँ पर ऑप्शन है, और मैं आपको जो बता रहा था आप यहाँ से भी अपने लिए लोअर थर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपल या इसको देखूंगा ये कैसे लग रही है दिखने में, जी आप देख पा रहे हो अच्छी लग रही है, बेसिकली ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रही है, तो मैं इसको ही ऐड करूँगा, तो मैं इसको इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। ठीक है, प्रोसेस छोटा करते हैं, इसको भी छोटा कर लेते हैं, अब देखते हैं कि दिखने में कैसा लग रही है। ओके, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं, और इसके सामने हम लोग पेडिंग वाला इफेक्ट डाल देंगे, बस चलो आप देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये फेडिंग इफेक्ट के लिए ये ब्लैक हो रही है, तो इसको हटाते हैं, अब देखते हैं कि कैसे लग रही है। अगर इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सही है। तो अब हम लोग को यहाँ पर ये टेस्ट को चेंज करनी है, और टेस्ट को हम थोड़ा नीचे की ओर ड्रैग करके ला सकते हैं। ठीक है, टेस्ट को हम यहाँ पर ला सकते हैं, पहले इस टेस्ट को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फिटनेस बाय बी वाई, यहाँ पर बंदे का नाम, ओके। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, मेरे ख्याल से इतना सही लगेगा, और एक बार फिर से इसको प्ले करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हम लोगों का खुद का यहाँ पर एक इंट्रो बन चुका है, और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रही है। आप बताना कि आपको कैसे लग रही है, मुझे ये इसमें कोई दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही फिलहाल, तो उम्मीद है आपको ये इंट्रो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर आप देख पाओगे एक्सपोर्ट नाम का एक ऑप्शन है, बस एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको लोकल पे आना पड़ेगा, उसके बाद एम पी फोर पे आना, यहाँ पर बस आपको इंट्रो आपका जो इंट्रो है बस एमएम सेट चैनल का नाम NTRO इंट्रो, और मैं यहाँ से सेटिंग्स में जाकर एकदम बेस्ट क्वालिटी लूँगा। ठीक है, APS में 60 FPS कर देता हूँ, ओके, अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये रेंडर लेगा और ये एक्सपोर्ट कर देगा इसको। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आप कैसे अपने लिए एक इंट्रो बना सकते हो वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने अपने चैनल के लिए एक लोगो बना लिया है, यूट्यूब का चैनल आर्ट भी बना लिया है, और इंट्रो भी बना लिया है। ठीक है, तो इस हद तक तो भाई हम लोगों का चैनल चल पड़ेगा, आप वीडियो वगैरह एडिटिंग करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन यहाँ पर अब बारी है लोअर थर्ड्स की, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप फिल्मोरा कोई मतलब अपना फर्स्ट जानने के लिए जो व्यू एडिटर आप इस्तेमाल करने वाले हो वो फिल्मोरा से ही स्टार्ट करो, क्योंकि फिल्मोरा में हम लोगों को डिफॉल्ट में ही एक बहुत ही बढ़िया सा लोअर थर्ड्स देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब आप कुछ एडिटिंग करोगे तो आपको यहाँ पर आप देख पाओगे टाइटल्स नाम का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बस आप इस ऑप्शन के ऊपर आना, यहाँ पर आपको बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन लोअर थर्ड्स और उससे भी बढ़िया बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लोअर थर्ड, बहुत सारे यहाँ पर लोअर थर्ड्स की टेम्पलेट्स है, मैं आपको कुछ प्ले करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो, देखो ये एक ऐसा लोअर थर्ड से, यहाँ पर एक ऐसा लोअर थर्ड से, ठीक है ना, और इसको एडिट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं आपको एक लोअर थर्ड एडिट करके भी दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने पहले जो इस्तेमाल किया था ये भी एक लोअर थर्ड ही है, ठीक है, और मैंने इसको आपको एडिट करके दिखा दिया था, तो मैं इस वीडियो में भी आपको एक लोअर थर्ड यहाँ पर एडिट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको बस यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है टाइम लाइन पे, अब आप देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लोअर थर्ड ऐड हो चुका है, ठीक है, योर हेडलाइन हेयर। आपको क्या करना पड़ेगा सिंपली, और ये इसके साथ ओवरलैप हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा सामने ला रहा हूँ, तो अब देखो योर हेडलाइन हेयर, ओके,
यहाँ तक। तो बेसिकली मेन जो बात है इसको हम एडिट कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, अब देखो यहाँ पर ये वर्ड आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं दट स्टूडियो, तो ये देखो ये नाम बहुत ही आसानी से चेंज हो गया। और आप ऐसे करके यहाँ पर अपना लोअर थर्ड्स वगैरह भी डाल सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर प्रो वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस वंडरशेयर की फिल्मोरा से आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो बस मुझे आप लोअर थर्ड्स कैसे ला सकते हो अपने वीडियो में, आप वो भी जान चुके होंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं, ये भी एक बहुत ही बढ़िया टेम्पलेट है, आप देख पा रहे हो कैसे यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स है। आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगता है वो टेम्पलेट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस पार्ट के बाद आप कैसे अपने लिए लोअर थर्ड्स बना सकते हो, आपका लोअर थर्ड्स का पूरा टेंशन यहाँ पर ख़त्म हो चुका होगा। तो अब बारी आती है आउट्रो, थंबनेल और फेसबुक कवर को बनाने का। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने इंट्रो भी बना लिया है, लोगो और यूट्यूब का चैनल आर्ट भी बना लिया है, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि हम लोग कैसे अपने चैनल के लिए लोअर थर्ड्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग की बारी है कि हम लोग यूट्यूब के लिए आउट्रो बना ले, थंबनेल कैसे बनाते वो भी जान ले, और फेसबुक कवर कैसे बनाते वो जान ले, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर फोटोशॉप को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए शायद फोटोशॉप इस्तेमाल करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं कैनवा को इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक। तो मैं अपना कैनवा को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। हम लोग को कैनवा को वेबसाइट में जाना है, तो ये रहा कैनवा का वेबसाइट। आप बस आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो CANVA ऐसे लिखकर, ठीक है। तो पहले वाला वेबसाइट आएगा, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट की मदद से हम लोग बाकी का जितना भी काम है, आउट्रो, यूट्यूब का सॉरी फेसबुक का कवर और थंबनेल, इसी वेबसाइट से हम लोग बनाएंगे। ये वेबसाइट हम लोगों का काम को बहुत ही आसान कर देता है। तो पहले हम लोग जो काम करेंगे, हम लोग क्या काम करेंगे, फेसबुक का कवर बनाएंगे, ठीक। तो बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फेसबुक, और यहाँ पर आप देख पाओगे फेसबुक कवर आ चुका है। बस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हम लोगों के लिए एक टेम्पलेट बना के दे देगा। देखो बहुत ही बढ़िया है, जिसके आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखा रही है। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो टेम्पलेट है, ये मेरे हिसाब से मेरे केस में परफेक्टली फिट होगा। आप देख लो आपके लिए कौन सा टेम्पलेट परफेक्ट फिट होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि ये मेरे केस में ये मेरे लिए बेस्ट फिटिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर ले यहाँ से, जिसका आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर लोड ले चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं अपना इमेज को यहाँ पर ओपन करूँगा। तो मेरा इमेज कहाँ पर है, कहाँ पर चला गया, हाँ यहाँ पर है। तो ये वाला मैं इमेज को मैं ओपन करूँगा, यहाँ पर इसके ऊपर लाऊँगा और बस यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। तो देखते इसका देख पा रहे ये इमेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ ये इमेज इससे रिप्लेस हो जाए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको अपलोड होने देते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये अपलोड हो रही, ठीक है। तो ये अपलोड हो चुका है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, फिर से मैं इसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका पोजीशन ले चुका है, ठीक है। तो बस यही है, अब मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपने चैनल का नाम ऐड करेंगे, तो LE, उसके बाद GIC नेशनल मैजिक जोन, ठीक है। ये था हम लोग का चैनल का नाम। अब यहाँ पर एक जो चीज हम लोग ऐड कर रहे थे, इसको ऐड करना है बाय बंदे का नाम, और इसी तरीके से हम लोगों का जो फेसबुक का कवर था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप देख पाओगे कि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रही है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा लग रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है।
मैं इसीलिए बोलता हूँ जितना सिंपल आपका आप अपना काम को रख सकते हो रखो, दिखने में उतना ज़्यादा अच्छा लगती है। ठीक है, तो बस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप देख पाओगे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड का आइकॉन आ जाएगा, डाउनलोड कर लो और ये डाउनलोड हो जाएगा और आपका फेसबुक का कवर यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कितना ईजी था। अब फिर से हम लोग होम पे आएंगे। अब हम लोग को क्या बनाना है, यूट्यूब का आउट्रो बनाना है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम इसी वेबसाइट के मदद से यूट्यूब का आउट्रो बनाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप इस वीडियो में नेविगेट कर जाओ, दो तीन वीडियोस हम लोग दिखाते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। ठीक, तो वो वाला आउट्रो हम बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप वहाँ से किसी भी एक टेम्पलेट उठा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, बस आपको यहाँ पर लिखना है YouTube Outro, YouTube। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर आ चुका है YouTube Outro, बस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये आपको HD क्वालिटी का आउट्रो प्रोवाइड करेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे तरह तरह का आपको यहाँ पर आउट्रो का टेम्पलेट देखने को मिलेगा। ठीक, आपको जो टेम्पलेट यहाँ पर अच्छा लग रही है अब वो टेम्पलेट यहाँ से उठा सकते हो। तो मुझे ये वाला टेम्पलेट अच्छा लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला टेम्पलेट मैं यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है, तो आपको जो टेम्पलेट अच्छा लग रहा है आप वो टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ये टेम्पलेट को यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर थोड़ा मॉडिफिकेशन जरूर करूँगा। तो ये मेरा टेम्पलेट यहाँ पर आ चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लाऊंगा ये वाला जो इमेज है, मैं इसको भी यहाँ पर ड्रॉप करूँगा क्योंकि मुझे इस इमेज को यहाँ पर चाहिए। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको बैकवर्ड कर दूंगा। ठीक है, पीछे भेज दूंगा, फिर से राइट क्लिक करूँगा देन बैकवर्ड कर दूंगा, फिर से राइट क्लिक करूँगा बैकवर्ड भेज दूंगा, फिर से राइट क्लिक करूँगा बैकवर्ड में भेज दूंगा, जब तक ये पूरा बैकवर्ड में नहीं जा रहा है। ठीक है, कभी भी ये पूरा बैकवर्ड नहीं है, बैकवर्ड अब मेरे ख्याल से ये पीछे चल गया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर लूंगा, मुझे इसको बड़ा करने है थोड़ा सा। इतना मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रही है दिखने में। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, डिलीट। ठीक है, ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। अगर मैं इसको यहाँ से चूज करूँ तो इसका मैं ग्रेडियंट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसका कलर यहाँ से डेफिनेटली चेंज करूँगा, मैं यहाँ से ऑरेंज लूँगा और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर पर्पल या फिर ऑरेंज, ये सही लग रही है मुझे। इसका भी मैं सेम काम करूँगा, मैं यहाँ से रेड लूँगा और इसको मैं ऑरेंज कर दूँगा, इसका भी वही सेम काम करेंगे। जिसका आप देख पा रहे हो अब ये हम लोगों का जो आउट्रो था वो कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये। ठीक है, तो यही हम लोगों का आउट्रो है। तो अगर आप प्ले करके दिखना चाहते हो तो आप प्ले करके देख सकते हो कैसा लगेगा दिखने में। तो यहाँ पर बस म्यूजिक नहीं होता है, आपको अब जब एडिट करोगे तभी आपको यहाँ पर म्यूजिक डालना पड़ेगा। ठीक है, जिसका आप देख पा रहे हो ऐसा एनिमेशन आएगा आपके आउट्रो में, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पर आप दिखा रही है कि MP4 हाई क्वालिटी। हाँ भाई, हमको हाई क्वालिटी चाहिए, पूरा 1080 का जो रेजोल्यूशन होता है हम लोग को उसी रेजोल्यूशन पे इसको डाउनलोड करना है HD पे। तो ये अभी HD पर डाउनलोड हो जाएगा, अब ये आपकी डिज़ाइन को प्रिपेयर कर रही है और उसके बाद ये आपको आपका जो वीडियो है उसको डाउनलोड करके दे देगा। तो अभी ये डाउनलोड हो चुका है, तो मैं आपको इसको एक बार अपने PC पे प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे ओपन हो रही है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का और दिखता है। अगर मैं आपको पहले दिखाता हूँ तो आपको ये वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रही है और आउटडोर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग बनाएंगे यूट्यूब के लिए थंबनेल। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने 95% काम ख़त्म कर चुके हैं। हम लोगों ने अपने चैनल के लिए जो लोगो था वो लोगो कंप्लीट कर लिया है, चैनल आर्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों ने फेसबुक के लिए कवर पिक्चर भी बना लिया है, जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया था। और आखिरी वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि कैसे आप
अपने लिए एक लोअर थर्ड्स बना सकते हो वंडरसाय फिल्मोरा की टेम्पलेट को इस्तेमाल करके। उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि आप आउट्रो कैसे बना सकते हो, बेहतरीन आउट्रो हमने कस्टमाइज करके आपको बताया था कि बहुत ही ईजी वे में, आपको कोई भी फोटो एडिटिंग टूल्स का ज़रूरत नहीं है, कोई भी एडिटर का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सो वेबसाइट से उसका टेम्पलेट को इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने मॉडिफाई करके हम लोगों ने आउट्रो भी बना लिया था। अब बारी आती है कि हम लोग अपने लिए एक थंबनेल भी डिज़ाइन करने का तरीका जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो थंबनेल भी बनाना पड़ेगा ना। तो बहुत आसान है थंबनेल को डिज़ाइन करना, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर कैनवा वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैनवा एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, तो डेफिनेटली मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ कैनवा को मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट है ये कैनवा का एक प्रीमियम अकाउंट है, तो मैं पर्सनली कैनवा को इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके बजट पे है तो आप इसका जो प्रीमियम अकाउंट है वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वैसे ज़रूरत तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपको लेना ही चाहिए, लेकिन हाँ ले सकते हो, ज़रूर ले सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो अब हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो फेसबुक का कवर पिक्चर भी बनाया था और एक आउटरो भी बनाया था, अब हम लोग को बनाना है हम लोगों के लिए थंबनेल। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे YouTube, अब यहाँ से हम लोग YouTube थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को बहुत सारे बेहतरीन थंबनेल हमारे सामने ला के छोड़ देगा, जिसका आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे बेहतरीन थंबनेल यहाँ पर पहले से बना हुआ है। ठीक है, और हम लोग इन्हीं में से कोई एक थंबनेल को इस्तेमाल करेंगे, और मेरे ख्याल से ये वाला जो थंबनेल है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्या बात बोलते हो आप लोग। ठीक है, ये थंबनेल काफ़ी अच्छा है, ये भी थंबनेल काफ़ी अच्छा है, ये थंबनेल भी बहुत अच्छा दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक थंबनेल को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये वाला थंबनेल इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से ये वाला थंबनेल हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर ये थंबनेल भी काफ़ी अच्छा है, चलो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अलग है, हटके है, थोड़ा लेडीज टाइप का थंबनेल है। ठीक है, तो ये थंबनेल भी बहुत अच्छा लग रही है मुझे, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले इस इमेज को यहाँ पर अपलोड किए थे, तो बस मैं इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर इस इमेज के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। सॉरी, ये ड्रॉप नहीं लिया, देखते क्यों। हाँ चलो, अब ये इमेज यहाँ पर हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको फिल्टर करके कुछ यहाँ पर इफेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो मैं देखता हूँ कौन से इफेक्ट यहाँ पर अच्छा लग रही है, मेरे ख्याल से ये वाला इफेक्ट यहाँ पर जच रही है। ठीक है ना, ये वाला इफेक्ट, तो इसको देखते हैं, नहीं ये वाला इफेक्ट ही यहाँ पर जच रही है, तो मेरे ख्याल से ये वाला इफेक्ट सही है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करते, ओ तो हम लोग यहाँ से टाइप करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नहीं तो वो फॉन्ट चला जा रही है। ठीक, तो सॉरी, हम लोगों का नाम था मसल मैजिक जोन, मसल GIC, ओके, तो एज यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको एडिट कर देते हैं। हम लोग यहाँ से एक नया फॉन्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओ टेक्स्ट नाम का आइकॉन है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आपको बहुत सारे बेहतरीन टेम्पलेट्स देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से कोई एक टेम्पलेट को इस्तेमाल करने वाले हैं अभी, क्योंकि वो तो काम नहीं कर रहा था, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा टेम्पलेट यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये वाला जो आप देख पा रहे हो, बस मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर। तो ये ड्रैगन ड्रॉप, हाँ चलो ये ड्रैगन ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, और भी देखते हैं, अगर कोई अच्छा थंबनेल मतलब टेक्स्ट हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट है। यहाँ पर बहुत सारा अगर मैं दिखता जाऊँ तो भाई मेरा पूरा दिन चला जाएगा, तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, इसको मैं अभी सेंटर पे लाके छोड़ता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मसल मैजिक और उसके बाद जोन, बेसिकली यही फॉन्ट था पिछले वाले में। ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने यूज़ नहीं कर पाया, जिसका स्टाइल ब्रेक हो रहा था। 64 कर देते, सही है, बहुत बढ़िया।
इसको डाउन करते हैं यहाँ पर, और ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1020, यहाँ पर लिखते हैं फिटनेस, तो शिफ्ट एंटर दबा के इसका हम दोनों लाइन कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा दिखने में पहले जैसा। यहाँ पर एक स्पेस ऐड हो चुका है तो हम लोग को स्पेस को हटाना पड़ेगा, तो अब ये मेरे ख्याल से सही है। ओके डन, इसको ऐड करते हैं। ITR को यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया, यहाँ पर डबल हो चुका है MOITRO। ओके, इसको भी हटा देते हैं थोड़ा। यहाँ पर बाय और उसके बाद एंटर, परफेक्ट। अब मुझे लगता है कि ये दिखने में कुछ नया और यूनिक सा लग रही है, अच्छा लग रही है मुझे लगता है। ठीक है, तो यही होगा हम लोग का इस पार्ट के थंबनेल। ठीक है, तो ऐसा करके आप अपने थंबनेल बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट को इस्तेमाल करके बस उसके इमेज और टेक्स्ट को चेंज करके अपने लिए अपना थंबनेल बना सकते हो। और अगर आप इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हो तो भाई आपका थंबनेल दिखने में बहुत ही बेहतरीन लगेगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए एक कि आप कैसे कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो कोई बात नहीं है, आपको बस यहाँ से अब अगर इसको डाउनलोड करना है तो बस डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, मैं जेपीजी सेलेक्ट कर रहा हूँ डाउनलोड, और ये कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइस, मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के बाद जो है आपको इस पूरा यूट्यूब पैक जो मैंने आपको बना, मतलब पैक के अंदर जितना सारे यूट्यूब का ग्राफिक्स रिलेटेड चीज रहता है, ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने लिए एक बना सकते हो। एंड मुझे लगता है कि आपको ये पूरा वीडियो देख के आपका जितना सारा नेसेसरी था अपने यूट्यूब चैनल के लिए वो सारा कंप्लीट हो चुका होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो कहीं से पसंद आ गया है तो भाई वीडियो पे एक लाइक आप जरूर कर देना, क्योंकि भाई ऐसे वीडियोज बनाने में बहुत सारा वक्त भी लगता है, एडिटिंग करने में भी बहुत सारा टाइम लगता है, एंड बहुत सारा मतलब धैर्य रखना पड़ता है इस वीडियो को पब्लिश करने में, तो बहुत मेहनत लगता है गाइस। तो अगर आप एक लाइक करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, भाई बहुत सारा मदद मिलता है इससे, तो ये प्लीज मत भूलना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। अगर आप ये वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो भी भाई लाइक कर देना एक, इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप लाइक नहीं करते हो तो भाई मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।